गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का फ्रेंड्स व्लॉग ऐसा है कि आज थोड़ा सैड सा फील हो रहा है, डीमोटिवेटेड लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो बात करेंगे किस चीज़ पे, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि थोड़ा रिज़ल्ट क्लियर नहीं हो पाया FCIAG3 का और फेल हो गया हूँ मैं उसमें एक्चुअली। तो फ्रेंड्स बात ऐसी है कि क्या है कि अपन वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या मिस्टेक की थी और वो मिस्टेक से आपको सीखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली FCIAG3 रहे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहे, क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आप उससे जल्दी सीख कर कोई भी टाइप का एग्ज़ाम रहे, वो चाहे आपका बोर्ड का हो सकता है, कॉम्पिटिटिव का हो सकता है, FCIAG3 का हो सकता है या कोई भी। तो मैंने क्या मिस्टेक की उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है और क्या फील हो रहा है, थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि एग्ज़ाम जो है वो FCIAG3 की है, जिसको अपन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट ग्रेड 3 बोलते हैं, जो ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। मैंने डिपोर्ट में मतलब अप्लाई किया था। अब बहुत डीमोटिवेटेड सा लग रहा है क्योंकि क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी पहले कुछ अच्छे चांस मेरे पास थे गवर्नमेंट जॉब्स के, वो छोड़ा, फिर प्रिपरेशन फिर से चालू किया आफ्टर कोविड, और फिर अभी जल्दी रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है। एट दी एज ऑफ 28 अगर आप सेटल नहीं हो तो समझ सकते हो मेरा मतलब क्या दर्द है। तो कल शाम को जब से रिज़ल्ट आया तब से एकदम अपसेट सब फील हो रहा है मुझे कि एग्जैक्टली क्या किया जाए, क्योंकि मतलब बहुत थॉट्स आते हैं कि यार प्रिपरेशन सब छोड़ दो और कोई तो भी प्राइवेट जॉब ले लो अच्छी सी और फिर जॉब करते रहो। तो क्या होता है कि मैं अभी मतलब टीचिंग वगैरह भी करता हूँ, साथ में प्रिपेयर भी कर रहा हूँ, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन से आती है अगर ऐसे रिज़ल्ट आते हैं। अब ये जो दुख या दर्द इतना ज़्यादा क्यों फील हो रहा है पेन मुझे, उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि FCIAG3 के लिए मैंने बहुत बहुत प्रिपेयर किया था, मतलब मॉर्निंग इवनिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत कुछ प्रैक्टिस किया और एक होप थी कि ये क्लियर हो जाएगा पेपर 1 एंड फिर मैं पेपर 2 के लिए अपियर हो जाऊँगा, फिर अगर वो भी क्लियर हो जाता है तो फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग वगैरह थी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह थी। अब दिक्कत क्या है फ्रेंड्स कि वो मतलब कट ऑफ पे रीच नहीं कर पाया, हो सकता है थोड़ा डिफरेंस आया होगा क्योंकि मेरा पेपर जो कट ऑफ रहता है उसके आसपास ही गया था, तो एक होप थी कि एक तो पूरा निकल जाएगा या फिर बिल्कुल थोड़े से अटक जाएगा, तो थोड़े से अटक गया होगा ये हो सकता है क्योंकि कल लिस्ट आई है, बट ये नहीं हुआ है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, कट ऑफ पे रीच हुए नहीं, उतना नहीं पता चला, वो कुछ दिनों बाद पता चल जाता। तो फ्रेंड्स मतलब अभी तो मतलब स्टेज क्या बताऊँ कि इतना डिमोटिवेटेड फील हो रहा है कि ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ दूँ और एक जॉब पकड़ लूँ, या फिर ऐसा थोड़ा अगर मैं खुद के अंदर मोटिवेशन लाने की भी कोशिश करूँ तो ऐसा लग रहा है कि यार चलो थोड़ा ये हुआ तो क्या हुआ, अभी और कुछ जगह निकलती है तो उसको भर के देखते हैं, दे देते हैं, इस बार अगली बार निकल जाएगा वगैरह। बट कैसा है कि बहुत अच्छे अच्छे चांस छोड़ने के बाद में अभी जब तुमको नीड है और तब नहीं मिल रही है तो फील होता है कि मतलब बहुत अपसेट लगता है। मतलब अगर मैं अपने वर्ड्स में बताऊँ तो मे बी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको फील हो सकता है कि अगर आप एक चीज़ के पीछे बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद आपकी वो क्लियर नहीं हुई तो जितना अपसेट और सैड फील होता है उतने। आज थोड़ा सा रिकवर सा लग रहा है लेकिन कल रात में और मॉर्निंग में तो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा था। मॉर्निंग वॉक पे गया, सारी जो एक्टिविटीज़ मेरी मॉर्निंग की होती है वो भी किया, तो उसमें भी बहुत बहुत अपसेट फील कर रहा था फ्रेंड्स। मैं गया तो भी मतलब एक स्टेज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं,
वैसे मॉर्निंग रूटीन क्या होता है पूरे डे में, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, अर्निंग प्लस प्रिपेयर कैसे करता हूँ, उसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा आपको प्रॉपरली पूरे फुल डे का शेड्यूल क्या होता है, ताकि अगर आप भी कभी पार्ट टाइम जॉब करो और साथ में प्रिपेयर करो तो कैसे क्या कर सकते हो। तो अपने मुद्दे पे आते हैं फ्रेंड्स, कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई जो मैं नहीं करता। मे बी बिफोर द पेपर तो अच्छे से क्लियर हो जाता, पेपर टू जल्दी अपेयर कर लेता और फिर एक डेढ़ दो महीने के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाती थी। तो वो मिस्टेक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेशली, जिसमें अपन समझेंगे कि वो मिस्टेक आप नेक्स्ट टाइम कभी ना करो, ताकि आपको ये रिग्रेशन फेस ना करना पड़े। अगर मैं ये सेम रिग्रेशन 22-24 की एज में फील कर रहा होता तो मुझे उतना टेंशन नहीं होता, क्योंकि जब आप 27-28 चले जाता हो तो एक दिक्कत ये आती है कि आपकी एज बहुत सारे जॉब से बाहर होने लग जाती है। तो बहुत बार अपन बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होता है, इसलिए। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ फ्रेंड्स कभी कि मतलब लाइक करो सब्सक्राइब करो वगैरह अपने मुँह से, बट मैं इस वीडियो के लिए बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो, थोड़ा मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं और एंथुजियाज़म से नेक्स्ट मेरे टारगेट के ऊपर मैं फोकस कर पाऊँ, और ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के साथ मैं शेयर करूँ जो कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं या अभी कर रहे हैं या आगे में मतलब सोच रहे हैं फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स मिस्टेक क्या थी कि मैंने प्रैक्टिस बहुत किया, सुबह में करता था, दोपहर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखता था, पढ़ा था बहुत ज़्यादा, रिसर्च भी किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखी, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ता है और ये सब चीज़ें भी मैंने किया। अब दिक्कत क्या आई कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे अपन बहुत सारे पेपर्स देते रहते हैं, ये फॉर्म आया वो भी भर लो, वो भी भर लो, मैं भी भरता हूँ, सारे लोग करते हैं ये सारी चीज़ें, जो फॉर्म निकला है उसको भरो, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी बहुत कम निकल रही। तो अगर आप लोग ये भर रहे हो तो हर बार क्या होता है कि हर एग्ज़ाम का सिलेबस आता है और वो सिलेबस में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, सारे एग्ज़ाम का सिलेबस एक जैसा नहीं होता है। अब वो जो थोड़ा थोड़ा चेंज है, समझ लो ग्रुप सी की रेलवे की पोस्ट है, ग्रुप सी की FCI की होंगी, ग्रुप सी की MPSC की होंगी, UPSC की होंगी, कोई भी हो सकती है। अब वो सब एग्ज़ाम के सिलेबस में थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, अब वो जो थोड़ा थोड़ा सा चेंज है वो तुमको क्या है वो सिलेबस जब पढ़ोगे, जब नोटिफिकेशन आता है तब आपको पता चल जाता है। बट मैंने क्या किया FCI के केस में, जैसे नॉर्मल ग्रुप सी का जनरल से सिलेबस होता है वही वो पूरा कर लिया, एग्जैक्ट टू द पॉइंट वो चीज़ नहीं देखा कि एग्जैक्ट एक्स्ट्रा क्या एक्स्ट्रा है उसमें और क्या बाकी एग्ज़ाम से जो पूछा जाता है वो कट हो चुका है, वो नहीं देखा। ये मेरी पहली मिस्टेक थी। सेकंड मिस्टेक क्या हुई फ्रेंड्स, भले ही आप कितने भी आपके अच्छे बेसिक्स हो, कितना भी अच्छा आपका प्रिपरेशन हो, आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, और ये मेरी एक सेकंड मिस्टेक थी कि मैंने इस एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट नहीं दी थी। मेहनत बहुत करी लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दी। अब मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा क्या होता है कि तुमको पहले ही एक लेवल भी पता चल जाता है, उसका पैटर्न पता चल जाता है, और साथ में जो मिस्टेक तुम एग्ज़ाम में करने वाले हो वो पहले ही मॉक टेस्ट में कर लेते हो, तो आप अवेयर रहते हो कि क्या चीज़ें अपन जो है उसमें लैग कर सकते हैं। और सेकंड इसमें ये फ़ायदा रहता है कि जो मैंने सिलेबस वाला जो लैकुना बोला था वो इसमें कवर हो जाता है, तो ये आपने करना चाहिए। उसके बाद में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना, बीच में रहो कि एक तो आ जाएगा कर लेंगे, इतना भी गए गुजरे नहीं है, और एक तो सब मुझे आ जाएगा ये भी मत सोचो। तो वो माइंडसेट कभी कभी आपको प्रिपरेशन में या फिर स्ट्रेटेजी में थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चीज़ें सेट करो, मतलब कि एक स्ट्रेटेजी बना लो कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करोगे, कौन सा दोगे, इस तरीके से। तो FCI में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, सीधे रूल था कि पहले मैथ्स खुलेगा फिर रीजनिंग, ऐसा वो पैटर्न बना था। तो जब तक कि अपना एक सेक्शन पहले ख़त्म नहीं होता सेकंड नहीं खुलता था, तो तुमको वही सेक्शन अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो FCI के एग्ज़ाम में दिया है। तो बट बाकी एग्ज़ाम्स में वो ऑप्शन होता है कि तुम पहले कौन सा अटेम्प्ट करना चाहो कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए, या फिर सेक्शनल टाइमिंग था तो उसके हिसाब से वो सेक्शन उतने उतने टाइम में अटेम्प्ट करना था। तो एक सबसे बड़ा तो मेरा टेस्ट मॉक टेस्ट नहीं दिया, ये मिस्टेक हुआ, ऑफलाइन टेस्ट दिया, लेकिन मॉक टेस्ट देनी चाहिए थी, जो ऑनलाइन अपन पेड खरीदते हैं उस टाइप से वो नहीं दिया। उसके साथ साथ फ्रेंड्स कि आप रेगुलर प्रिपरेशन और सिलेबस को स्टिक करके उस पेपर का प्रिपरेशन करना चाहिए, जनरल जनरल नहीं करना चाहिए। अगर आप जनरल जनरल कर रहे हो तो हर बार एक मार्क दो मार्क से कट ऑफ से बचोगे और हर बार आउट होते रहोगे। ये मेरा एक बड़ा मिस्टेक था।
तो सिलेबस को स्टिक करना ज़रूरी है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको किस टाइप का एक स्ट्रेटेजी रहता है ये पहले ही बना लो, आप एग्ज़ाम से पहले ही बना लो और प्रॉपरली उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्लान करके आप पेपर दो, ताकि आप प्लान वे से चलते हो तो ये जो मैंने पॉइंट्स बोला ये सारे के सारे स्टूडेंट नहीं करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का मतलब क्या होता है कि तुम कॉम्पीट कर रहे हो बाकी लोगों को कॉम्पिटिशन से बाहर करके, खुद अपनी जगह बना रहे हो, ये चीज़ रहती है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये थोड़ा मेरा मिस्टेक हुआ था उसकी वजह से। बाकी तो डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मैं क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैंने अभी क्या डिसीज़न लेना चाहिए, कि प्रिपरेशन छोड़ के प्राइवेट जॉब्स में चले जाना चाहिए या फिर और थोड़ा ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इसी एज पे फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है। उसी डीमोटिवेशन एंड पेन की वजह से मैंने आज की वीडियो में जो अपना चैनल का जो एक हैप्पी सा इंट्रो रहता है महाराष्ट्रियन ब्लॉग का, वो भी नहीं लगाया क्योंकि मूड ठीक नहीं था। तो मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया था क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो बाकी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो सेम मिस्टेक करके ये रिग्रेशन और ये फ्रस्ट्रेशन फेस ना करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आता है या कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग आता है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि मैंने नेक्स्ट मेरे फ्यूचर के लिए क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार प्रेशर में अपन सही डिसीज़न नहीं ले पाते, इसलिए मैं अपने व्यूअर से पूछ रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।